हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे बोया का M1 प्रो जो माइक आता है उसका रिव्यू करेंगे। ये मैंने बुलाया है क्योंकि जो वीडियो में जो नॉइस आती है, जो आवाज़ आती है, उसके लिए रिकॉर्ड करने के हिसाब से, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी की आवाज़ आती है, तो इसलिए ये बोया का मैंने M1 प्रो माइक ऑनलाइन परचेस किया है। और ये इसमें ऑप्शन है, यहाँ पर कैमरास में अगर लगाते हैं तो कैमरा का ऑप्शन, और स्मार्टफोन के लिए भी, स्मार्टफोन में भी लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, माइक है ये बोया का, फेमस माइक। सभी यूट्यूबर अधिकतर बोया का ही माइक यूज़ करते हैं, तो मैंने भी इसे परचेस किया है अच्छी क्वालिटी के लिए। ये जो कनेक्टर आया इसके साथ, और यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसमें कीज़ दिया है, कैमरास लिखा है इस पर, और स्मार्टफोन दो के लिए यूज़ है ये, है ना। तो ये बोया M1 प्रो है, इसमें बोया M1 में आता है, M1 प्रो भी आता है, और ये फ़िल्टर है, ये क्लिप है इसके साथ आई है, एक ये माइक आया है, इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, और ये क्लिप आई है जिसको कॉलर पे लगा लेंगे तो आवाज़ इसमें क्लियर आती है, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल नॉइस आती है इसमें कम हो जाती है, मतलब अधिक नहीं आती है। जैसे कभी कभी मेरे पुराने वीडियो में देखता हूँ तो आवाज़ कुछ ज़्यादा आती है, आउटसाइड की ज़्यादा आती है, तो वो इसमें कम हो जाती है। इसमें केबल भी काफ़ी लंबी है, समथिंग 20 फीट के आसपास केबल है इसमें, बहुत सारी घड़ी करी हुई है ना। तो इस तरीके से देखेंगे हम, ये देखें, ये बोया का है, इसमें लिखा हुआ है ऊपर, और इसमें ये बारकोड भी है, इसके साथ बारकोड भी दिख रहा होगा आपको इसमें, है ना। और ये फ़िल्टर और ये क्लिप और ये कनेक्टर इसमें साथ में आए हैं, इसके साथ ही आए हुए हैं। और ये मैंने वीडियो के साथ अच्छी आवाज़ के लिए इसका यूज़ करने के लिए इसे बुलाया, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दिया जाए या थोड़ा आपको भी बता दिया जाए। तो अगर आपको कभी लगता है तो आप इसे परचेज़ करिए। ये इसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ये देखें, यहाँ से इसको ओपन किया कर लिया जाएगा। इसमें बैटरी लगेगी यहाँ पर, है ना, ये देखें यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अभी ये ऑफ है क्योंकि बैटरी के साथ एक प्लास्टिक का कवर साथ में लगा हुआ है, और ये जो पट्टी है, पट्टी को खींचेंगे तो हम बैटरी ओपन हो जाएगी, है ना। और इसमें प्लास्टिक की वो लगी हुई है, तो उसको अपन प्लस के साइड में लगा के रखिए, तो यानी कि वो ऑफ है, ठीक है ना। तो हम या तो इस पट्टी को ओपन करके, किसी किसी में बैटरी इंक्लूड आती है या फिर अलग से रखी हुई आती है, तो इसमें इंक्लूड थी, है ना, लेकिन उसके साइड से वो जो वाइट पट्टी दिख रही है वो प्लस माइनस के साइड में लगी हुई, तो वो अभी ऑफ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए, ये पट्टी निकली उसके साइड से, ये क्लिप गोल प्लास्टिक की इस तरीके से है, पन्नी टाइप की है, तो उससे कनेक्शन नहीं मिलता है। अब इससे हम कस देंगे, दोनों ऑटो चढ़ा देंगे, तो ये पैक हो जाएगा, इस तरीके से पैक भी हो गया है। और अब इसे स्मार्टफोन के लिए यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसे ऑन करेंगे, मतलब इसकी क्लिप को स्मार्टफोन में लगाएंगे, और जो उसकी की है उसको स्मार्टफोन पे रखेंगे। कैमरा अगर कैमरा में चलाएंगे तो कैमरा में करेंगे, लेकिन स्मार्टफोन लगाएंगे तो स्मार्टफोन के लिए यूज़ करेंगे। ये देखें, नीचे स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन है, और ऊपर कैमराज है, तो हमने स्मार्टफोन के लिए यूज़ कर रहे, तो हमें नीचे उसको नीचे लाना पड़ेगा। इस तरीके से हम नीचे लाएंगे, और ये इसका बारकोड है, एक की और साइड में दिए, यहाँ पे माइक्रोफोन भी लग सकता है, हेडफोन का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें। और ये कैमराज वगैरह के लिए, जिसमें मोटी पिन आती है उसमें लगाने के लिए इसका कनेक्टर भी है, इसको इसमें बिठाएंगे।